नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। विषय कोई छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। कुछ दिन पहले देश की राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक आंकड़ा पेश किया। आंकड़ा इतना बड़ा था कि उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2019, 20 और 2021 में पूरे भारतवर्ष में 13 लाख महिलाएं व लड़कियां लापता हुई हैं। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा आंकड़ा, हालांकि हम आपको बता रहे हैं, दिन प्रतिदिन खबरें आपको सुनने को मिलती है कि आज उस राज्य में बलात्कार हो रहे हैं। आज दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, बम्बई की बात करें, अनेकों राज्य जो बड़े बड़े महानगर हैं, कभी 2 साल की लड़की के साथ रेप की खबरें आती हैं, कभी अन्य जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं महिलाओं के साथ जो शोषण होता है। लेकिन जो इतना बड़ा आंकड़ा आज हमारे सामने आया, कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है। इतना बड़ा आंकड़ा कैसे हमारे सामने आया, हम आपको पूरी डिटेल के साथ वो आंकड़ा बताएंगे। NCRB का ये आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह आंकड़ा पेश किया है, जो 3 साल में 13 लाख महिलाएँ और लड़कियाँ गायब हुई हैं। तो आंकड़ा इस प्रकार है, 18 साल से अधिक की उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है 10,61,648 लड़कियां। 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं वो इतनी गायब हुई हैं 3 साल के अंदर। वहीं पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की संख्या है 2,51,430 लड़कियां, 18 साल से कम उम्र की लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ऊपर है इस आंकड़े में, जो ये लापता संख्या है सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा हम आपको बताएं, 2019 से लेकर 2021 के बीच में 1,60,180 महिलाएं हैं और 38,234 लड़कियां गायब हुई हैं। वहीं पर पश्चिमी बंगाल में 1,56,905 महिलाएँ हैं और 36,606 लड़कियाँ गायब हुई हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की बात करें तो दिल्ली सबसे ऊपर है। तो यहाँ हम दिल्ली का आंकड़ा हम आपको बताएंगे, 61,054 महिलाएं हैं और 2019 से 21 के बीच का यह आंकड़ा है, 22,919 लड़कियां हैं 3 साल के अवधि के दौरान। यह आंकड़ा दिल्ली का है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 8,617 महिलाएँ और 1,148 लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां गायब हुई हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुई हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां लापता हुई हैं। हरियाणा का भी आंकड़ा एक सामने आया है, 23 जुलाई के दिन अमर उजाला ने एक अखबार में खबर निकाली है। हरियाणा की बात करें तो 5 साल में हरियाणा में 2512 लड़कियां टोटल बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें 1008 लड़के और 1502 लड़कियां शामिल हैं। यह आंकड़ा देश भर का है, जो देश को शर्मसार करने वाला आंकड़ा है। 13 लाख बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, लड़की भी हैं। अब सोचने का विषय है कि यह वह आंकड़ा है जो कोर्ट की बात करें या जो थाने में FIR होती है, जो रजिस्टर्ड केस होते हैं, यह उसके हवाले से आंकड़ा है। NCRB का यह आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह आंकड़ा है। इस विषय में हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि उन जो सामाजिक विषयों पर बोलते हैं, रीमन नैन है, उन्होंने भी अपने इस पूरे मामले को लेकर विचार रखे। डॉक्टर शिकम नैन ने भी इस मामले को लेकर विचार रखे। और वहीं खोखरी गाँव की बात करें तो खोखरी गाँव में 4 महीने पहले की बात करें, मार्च के महीने में एक परिवार से एक बच्ची गायब हो जाती है। 19 साल की वह लड़की है, गाँव में अपना काम करने के लिए सुबह गोबर गेरने के लिए, जो भैंसों का गोबर होता है उसको गेरने के लिए अपने प्लाट में गई थी, और वापस आते समय उसको किसी ने किडनैप कर लिया। क्या हुआ, कुछ CCTV के फुटेज भी हमारे सामने आए हैं, जिस पर बाइक सवार 2 व्यक्ति उसको, लड़की को बिठा कर ले जाते हैं। बड़े शर्मसार करने वाले मामले हमारे सामने आ रहे हैं, किस प्रकार गांव से शहर से लड़कियां गायब हो जाती हैं लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लग पाता। सरकार प्रशासन क्या कर रही है, ये भी देखने का विषय है। क्योंकि लंबे समय से हम बात करें, 2019, 20, 21 का यह आंकड़ा है, जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है यह हमारे सामने आया है, और जो FIR अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अगर हम बात करें, लगभग 23
लाख से ज़्यादा या हम कह सकते हैं कि 30 लाख लगभग कितना ही आंकड़ा हो सकता है, रजिस्टर्ड आंकड़ा जब हमारे सामने 13 लाख है तो हम सोच सकते हैं कि उससे डबल आंकड़ा या 3 गुना ज़्यादा यह आंकड़ा देश के सामने आ सकता है। अब इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि जो महिलाएं गायब हो जाती हैं, महिलाओं के साथ शोषण होता है या बलात्कार जैसी घटनाएँ होती हैं और सरकार कुछ भी कर नहीं रही है। यहीं पर उस परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, उस परिवार ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। जी, मेरी पोती सवेरे 6:15 बजे गोबर गेरन गई थी, 30 तारीख को, वो 27 मार्च की बात है ये। अच्छा, फिर वहाँ से 2 पोती थी मेरी, वो दोनों पोती आवें साथ ही साथ, एक छोटी बच्ची है, एक वह बालिक है, एक पोती, वो दोनों आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी साथ ही साथ आएगी। अच्छा, उनकी मम्मी साथ में गई हुई थी। हाँ, उनकी मम्मी उनके साथ गई हुई थी गोबर गेरन। हाँ, वो बस कोई 5-4 मिनट का वो लग गया होगा, पीछे तो आएगी वह। फिर उतनी रास्ते में वहाँ तांसड़े तूसड़े गिरे मिले हैं उन तक, फिर वह उतनी सोचाई है दोनों कदे पोती ऊँच झगड़े पड़ी हों, मैं तांसड़े गेर दिए हों उनने इतनी। फिर घर आ के उसकी मम्मी ने पता कराया भाई उसकी सासू से माँ अंजलि कित है, वो बोले भाई उरे तो को नहीं आई, वो जब हमने नहीं आने गए उरे पूछा माँ कहते उरे बैठी हो किते आसपास में कोई उसका पता नहीं लग गया। अरे यही मामला था। और तो पुलिस को शिकायत करी आपने? हाँ, पुलिस को उसी दिन श्याम ने हमारी दरख्वास्त ले ली थी उनने। अच्छा, उसी दिन कर दिया था मामला। तो कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, कुछ पता चला? पुलिस की तरफ से कोई पता नहीं चला। कई बार आईओ महेंद्र है उसके पास गए भी, हमें पूछा भी भाई जी कोई सुराग लग गया हो, वो बोले भाई अभी तक तो कोई सुराग नहीं लग गया। हमने अप्लीकेशन उससे SP से भी मिले हैं, अरे फिर CM विंडो में CM का भी अप्लीकेशन लगाई है। अच्छा, आपकी जो पोती थी कितनी उम्र थी, क्या नाम था, एक बार बताएंगे वो भी? मेरी पोती की उम्र बालिक थी, 19 साल के करीब थी उसकी उम्र। अरे वो पहले मैट्रिक करी हुई थी, फिर ओपन से +2 के पेपर दिए थे, उनमें पास हो रही थी, वह 13वीं की तैयारी थी एडमिशन की। जैसे लड़कियां लापता होती है कई बार, फिरौती के लिए फ़ोन आता है पैसे मांगने के लिए, तो आपके पास कोई फ़ोन वगैरह कोई आया है? ना, ऐसी कोई बात नहीं, ना तो कोई आया, ना हमारे बच्चों के पास फ़ोन रहता है, ना हमारे जो बच्चों की बहू हैं उनके पास भी नहीं कोई फ़ोन है, ना उसकी दादी के पास कोई फ़ोन है। अभी तक आपको कोई सूचना नहीं मिली है? अभी तक किसी के कहीं से पुलिस की उस तक और कोई सूचना नहीं मिली है हमको। तो अब क्या उम्मीद लगाते हैं आप, क्योंकि लंबा समय हो गया, प्रशासन की तरफ से भी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, क्या लगता है कि आपको आपकी पोती दोबारा मिल पाएगी? अब ये तो के कैश कहाँ जे, अब तो कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, तो कुछ नहीं कह सके, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं सुराग इधर उधर लगे तो कोई आस हो जाए। आपको एक मामला आया है अभी, पता है कि हरियाणा में 5 साल में 2500 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 1500 लड़कियां हैं। आपकी लड़की है जो आपकी पोती है लापता हुई है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को, क्योंकि आपके साथ ये बीता हुआ है, आपकी पोती लापता हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, हमारी पोती का कुछ पता लग जाए तो इससे बेहतर होगा। और एक तो बस दुख आ रहा है इस टोकात में, क्यों ताज़ा हो गया, लगभग 4th महीना लग चुका है, और जब भी बात चल रहा है ताज़ा हो जाए यो, फिर दुख सारा कुनबा परिवार सारा दुखी हो जाए। जी, क्या नाम है आपका, क्या गाँव का नाम क्या? मेरा नाम राम मेर है, गांव खोकरी है, जिला जींद है, तहसील जींद है। अंजू नाम है जी मेरा।
अंजलि लड़की का नाम है और गोबर गिरने गए थे जी, और वहाँ पे आते हुए स्कूल के बहाने से उठा ली, वहाँ पे तसड़े पड़े मिले। आप साथ में गए थे उनके? हाँ गए साथ में थे जी, हम वहाँ पे गोबर पाथने लग गए और वो लड़की और एक लड़की और है मेरे देवर की, वो साथ में आ रही थी। उसकी क्या उम्र है जो दूसरी लड़की थी? वो 9-10 साल की है। अच्छा जी, हाँ वो साथ में थी? हाँ वो आगे निकल आई थी, उसके मतलब वो नुबली में घूमने जाऊंगी इस करके वो भाग गई थी वहाँ से। अच्छा आपको क्या लगता है किसी पे कोई शक है क्या, मतलब कोई देखा है उठाते हुए लड़की को? नहीं हमने कोई नहीं देखा, नहीं हमने किसी पे शक है। और स्कूल आगे तसड़े पड़े मिले हैं, एक इंड हुआ उसके पास में पड़ा है, एक उससे आगे पड़ा है, इस करके हमने घर आके पूछा कि लड़की आई है कि घर पे, ये नु बोले नहीं घर पे नहीं आए, इसलिए हमने टोने लगे भाई, हम तो बस यही विश्वास हुआ भाई किसी ने ठा ली है, घर पे नहीं आई, नहीं कहीं बेच चल रहा है, नहीं सरकार भी कुछ पता नहीं दे रही सरकार भी। प्रशासन की तरफ से या मतलब सरकार की तरफ से कोई अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला आपको? नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, कुछ भी पता नहीं चल रहा किसी तरफ से भी। अच्छा परिवार वाले, गांव वाले, पंचायत, सरकार से, उसे प्रशासन से मिली? मिली है जी सरकार, ये सभी जाके आए हैं वहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं चल रही। तो क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को आप? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई ऐसी हमारी लड़की है, ऐसी सबकी लड़की है जी, उसको भेद काटो, कल आज हमारी के साथ हुआ कल और के साथ होगा, उसका पता निकालना ज़रूरी है। हमने नहीं कहते भी हमारी लड़की ज़रूरी है, सबकी लड़की ज़रूरी है, पता निकालो, हम तो यही चाहेंगे। तो कौन से महीने की बात है? 3रा महीना था, 27 तारीख थी, सोमवार का दिन था, सुबह का टाइम था, 7-7:30 का टाइम था। और जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रीमन नैन की बात करें या डॉक्टर सिक्कम नैन की बात करें, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है, उनके भी आप विचार जरूर सुने। आप सबको बता दूं, देश की राज्यसभा के अंदर एक आंकड़ा जारी किया गया गायब हुई लड़की एवं महिलाओं से संबंधित। उस आंकड़े के अनुसार यदि हम देखते हैं तो देश के अंदर 2019, 2020 और 2021 के अंदर देश के अंदर 13 लाख से अधिक लड़कियां गायब हुई है। बिल्कुल 13 लाख से अधिक लड़कियां गायब, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। देश के अंदर जहां बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, देश के अंदर बड़ी बड़ी, मैं यूं कह दूं कि योजनाएं परोसी जा रही है कागजों के अंदर, वही देश में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी ACRB एक आंकड़ा जारी करता है नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया का, जिसके अंदर 18 साल से अधिक की महिलाएं 10,61,648 जो देश के अंदर गायब हुई है, 18 साल की बेटियां 2,51,430 बेटियां, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं दर्ज करवाया गया है उन परिवार वालों के द्वारा जिन परिवार की बेटियां और महिलाएं गायब हुई है। वो बेटियां तो अलग रह गई जो इसके अंदर शामिल ही नहीं होने पाई, उन बेटियों की आवाज कौन उठाएगा? और देश के अंदर सबसे अधिक महिलाएं गायब हुई है हमारे देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर, 61,054 महिलाएं, 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां। कहां आ चुके हैं हम, कहां खड़ा है हमारा देश, कभी सोचने का प्रयास किया है? नहीं किया। आज भी 4 लोग यही कहेंगे कि हमें बोलने की आदत है। परिवार जिसकी बेटी चली जाती है, जिस परिवार से कोई महिला चली जाती है, उसका दर्द कौन समझेगा, उसकी आवाज को कौन उठाएगा? 13 लाख महिलाएं कोई छोटा आंकड़ा नहीं होती।
पिछले 2019 से और 2021 के बीच में लगभग 13 लाख महिलाएं और गुड़िया यानी बच्चियां गायब हैं, पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार का इसके ऊपर कोई भी थोड़ा सा संज्ञान नहीं है। जब 13 लाख महिलाएं और बच्चियां गायब है तो हरियाणा और भारत सरकार आखिर कर क्या रही है? और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा ऐसा नहीं है कि हमने घर से बनाया, ये आंकड़ा हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने पेश किया है कि लगभग 13 लाख महिलाएं और बच्चियां गायब है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और किस देश में हैं और महिलाओं को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है। दूसरी बात, हम आते हैं हरियाणा से, हरियाणा के हालात और भी ख़राब है क्योंकि इसमें लगभग 2500 बच्चे गायब हैं जिसमें से 1500 के लगभग लड़कियां गायब हैं। उसके अलावा अब आप लोग ये सोचिए कि ऐसा क्या करें हरियाणा सरकार और भारत सरकार ताकि इन बेटियों को और इन महिलाओं को वापसी की जा सके। तो इसमें सोचने की बात यह है कि जो हमारी हरियाणा और भारत सरकार है ये महिलाओं के बारे में बिल्कुल हम ये मानते हैं कि सोच ही नहीं रही है। लगभग 2019 से और 21 तक जो लगातार आंकड़े पेश हो रहे हैं उनके ऊपर सरकार ने अब तक कितनी महिलाओं और बच्चियों को बरामद किया, अभी तक इसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। ये सोचने का विषय है और हमारे लिए श्रम की बात है कि हम महिलाओं के बारे में कितना अति असंवेदनशील है। और इसके अलावा हम एक ही बात कह सकते हैं कि हमें सरकार के भरोसे ना रह के, सरकार और प्रशासन के भरोसे ना रह के खुद की जिम्मेवारी खुद पे लेनी पड़ेगी कि हमें अपनी बच्चियों को गुड़िया ना दे के पिस्तौल और ऐसी शिक्षाएं देनी होंगी जहां वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा बेटियों को अपने माँ बाप यानी अब अपने जो परिवार है उसके संपर्क में रहना पड़ेगा। उसके अलावा यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उनको अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों से खुल के बात करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे हैं जो 13 लाख आंकड़े हैं हम आज भी मानते हैं, इससे ज़्यादा आंकड़े आज भी माँ बाप शर्म या किसी कारण से सामाजिक दबाव के कारण आज तक पुलिस थानों में नहीं पहुँचे हैं। और सरकार जब पुलिस थानों में जो रिकॉर्ड है और जो केस दर्ज हुए हैं उनके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं ले रही, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी सरकार को मौका लगे शासन और प्रशासन इसके प्रति गंभीर हो, यदि गंभीर नहीं होगी तो इसके बड़े मतलब गलत जो प्रशासन और सरकार और समाज के ऊपर प्रभाव है वो गलत आएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हम हर जगह असुरक्षित हैं, पूरे विश्व के अंदर भी पूरे भारत को महिलाओं के लिए असंवेदनशील यानी हम ये कह सकते हैं कि असुरक्षित देश भारत की गिनती आ चुकी है। तो सरकार से निवेदन है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें और जो हमारे NGO हैं, जो महिला NGO हैं, चाइल्ड NGO हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या सरकार और प्रशासन के ऊपर वो दबाव नहीं बना सकते, ऐसा क्या कारण है कि आज तक हम 13 लाख महिलाओं और बच्चियों को बरामद नहीं कर पाए। हमें अपनी बेटियों को, अपनी महिला शक्ति को मजबूत करना होगा, हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा और सरकार को भी ये चाहिए जितने भी उनके सामने जितने भी केस आते हैं उनको ऊपर काम करने का काम करे सरकार। यदि सरकार काम नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में महिला शक्ति के साथ हम मैदान में और सड़कों पे उतरने का काम करेंगे ताकि हम अपनी बच्चियों और महिलाओं को बचा पाएं और जो हमारी गायब है उनको बरामद कर सके। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींस अपने शोगी के साथ मैं मंदीप पिलानिया हूँ।